देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन हम एक स्टेप बाद आपको जब लिखेंगे तो आपको काफ़ी आसान दिखेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए ये सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है, इसे हमें इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुँचाना पड़ेगा। खैर तो देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको, फिर आपको नज़र आना चाहिए एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर टू, और इधर लिख दिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स dx, ठीक है ऐसे लिख दिया हमने। अच्छा इस x को अलग अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका x अपॉन x और 1 बाई x, x अपॉन x तो 1 हो जाएगा, तो थोड़ा सा और हमने इसे रिफाइन कर लिया। अब काफ़ी क्लियर होना चाहिए, अब तक हिट कर जाना चाहिए आपको, है ना, आपके दिमाग को कि क्या चीज़ है ये। देखिए इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, मतलब अगर ये हम एफ एक्स एज्यूम करते हैं तो ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है, और ये एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स हो गया, मतलब इसका तो डायरेक्ट एक स्टेप का आंसर है कि एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, मतलब टू प्लस वन थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है।